आगरमालवा जिले के सुसनेर निर्दलीय विधायक गुड्डू राणा के बड़े भाई का निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त करना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। आगरमालवा जिले के सुसनेर निर्दलीय विधायक गुड्डू राणा के बड़े भाई का निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ समय के लिए आगर रेस्ट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकारों से मिले। इस अवसर पर उन्होंने यहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि आपने शिवराज सिंह जी की ऑडियो सुना होगा, वह कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश था सरकार गिरानी है। ऊपर से आदेश था मतलब मोदी जी और अमित शाह का आदेश था और वहीं से सैकड़ों करोड़ रुपए बांटे गए। हमारे इस आरोप का ना तो भाजपा ने खंडन किया और ना ही पैसे लेने वालों ने खंडन किया। भारी मात्रा में इस लोगों ने पैसे बांट कर सरकार गिराई। राजस्थान में भी यह सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहां सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां इनकी संख्या कम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी को राज्यसभा में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मैं और कमलनाथ जी 70 वर्ष के हो गए हैं। सिंधिया जी अभी युवा हैं इसलिए अगले 20-25 साल प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व सिंधिया जी को ही करना था, उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपने शिवराज सिंह चौहान जी का ऑडियो सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश था कि सरकार गिरानी है। ऊपर से आदेश था मतलब मोदी जी और अमित शाह जी का आदेश था और वहीं से सैकड़ों करोड़ रुपए बांटे गए और हमारे इस आरोप का आज तक ना भाजपा ने खंडन किया ना पैसे लेने वालों ने खंडन किया। ये बात साफ है कि भारी मात्रा में इन लोगों ने पैसे बांटकर सरकार तोड़ी। अब राजस्थान में भी ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान में ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ इनकी संख्या कम है। नहीं, मैंने ये बात कही थी कि राज्यसभा में उनको आने में कहीं दिक्कत नहीं थी और मैं और कमलनाथ जी हम लोग 70 के ऊपर के लोग हैं, वे युवा, तो अगले 20-25 साल में उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश में उनका ही रहता, तो इन्हें पार्टी छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, राज्यसभा चुनाव की जो होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में 19 तारीख को, दूसरी सीट के लिए कितनी आश्वस्त है? कि नंबर्स हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया।